हाँ यार, तो ये सवाल है कि एक नंबर दे रखा है ए, मान लो 57, एक नंबर दे रखा है बी, मान लो 76। हमें क्या करना है, ए को बी में बदलना है और काउंट करना है कि कितनी बिट्स का चेंज आया होगा। तो ए लिख लेते हैं 1111001, ये होता है ना, देख लो 32, 48, 48, 8, 56, 57, ठीक है। 76 के लिए 64 और 12, तो 64 8 4, हाँ ठीक है। यहाँ पे एक और जीरो मान लो, यहाँ तो 0 0 है ही, यहाँ भी 0 0 है ही। तो यार कितना बिट्स का चेंज आ रहा है देखते हैं। यहाँ पे एक बिट का चेंज आया, यहाँ पे एक का आया, दो यहाँ पे आया, तीन यहाँ आया, चार यहाँ आया, पाँच, टोटल 5 बिट्स का चेंज है। तो एक बात बताओ, अगर मैं किसी तरीके से एक मास्क बना लूँ जो जहाँ जहाँ पे चेंज है ना वहाँ वहाँ पे 1 ला के दे दे, यहाँ भी चेंज है, यहाँ भी चेंज है, यहाँ भी चेंज है, बाकी जगह कोई चेंज नहीं, ठीक है। और अब मैं इन 1 को काउंट कर लूँ किसी तरह कि कितने 1 है, जैसे देख लो ना, 1 2 3 4 5, तो मेरा काम हो जाएगा, 5 बिट आंसर आ जाएगा। बहुत सरल सवाल है, 5 मिनट में तो वीडियो भी खत्म हो जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो इस सवाल में हमें मास्क बनाना है। मास्क बनाने के लिए इतना पता है हमें, जब सेम होता है एक एग्जॉर ऑपरेशन है, अगर मैं एग्जॉर ऑपरेशन करता हूँ तो उसका ये बनता है, अगर सेम है, देखो 0 1 1 0 1 1, अगर सेम है तो क्या देगा, वो दे देगा 0, और अगर डिफरेंट है तो 1 दे देगा। तो हमने बेसिकली एक XOR ही करा है यहाँ पे, जब डिफरेंट है 1 चाहिए, जब सेम है तो 0 चाहिए। तो मास्क तो हमें पता चल गया कि ये मास्क कैसे आएगा, ये आएगा ए XOR बी से, तो ये मास्क मिल गया। अब इस मास्क के साथ हमें क्या खेल खेलना है, ये देखो मास्क क्या मिला था, 1111001। तो अब इस मास्क के साथ खेल ये खेलना है हमें कि नंबर ऑफ 1 काउंट करना है। अच्छा, अगर मैं इसका एंड ऑपरेशन ले लूँ 1 के साथ, तो यहाँ सब जगह 0 0 0 ही है, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा 1। तो एक काउंट ले लेता हूँ और उसको कर देता हूँ अपडेट। अगर मेरा 1 आ रहा है ना एंड में, तो आखिरी डिजिट मेरी 1 है, तो मेरा काउंट हो जाएगा प्लस प्लस, तो काउंट अब हो गया 1। अब अगर मैं इसको राइट शिफ्ट कर दूँ 1 से, तो ये ड्रॉप हो जाएगी, यहाँ एंड में कहीं 0 ऐड हो रहा होगा। ट्रिपल राइट शिफ्ट कर दो, क्यों, क्योंकि अगर नंबर नेगेटिव होगा वो वाला केस भी हमें हैंडल करना पड़ता है, तो हम वो वाला केस भी हैंडल करके चलते हैं। तो ट्रिपल राइट शिफ्ट कर देंगे क्योंकि हमें एंड में 0 ऐड करना है, वरना अगर 1 1 1 ऐड होता चला गया तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ 1 आ जाएंगे, TL ही दे देगा लूप, ठीक है। अब राइट शिफ्ट गए, यहाँ पे आए 0 है, कुछ नहीं हुआ, इफ कंडीशन नहीं चली, राइट शिफ्ट गए, यहाँ पे आए 1 मिल जाएगा। तो देखो जी, ये कट के काउंट 2 हो गया, राइट शिफ्ट किया 0 है, कुछ नहीं हुआ, राइट शिफ्ट किया 1, ये कट के 3 हो गया, राइट शिफ्ट किया 1, ये कट के 4 हो गया, राइट शिफ्ट किया 1, ये कट के 5 हो गया, राइट शिफ्ट किया 0 हो गया। वाइल लूप के बाहर आ जाएंगे, जब 0 हो रहा है नंबर तब आगे काम नहीं करना, वाइल लूप के बाहर। तो आंसर 5 आ गया। चलो फटाफट से इसको कोड कर देते हैं, 5 मिनट की ही वीडियो है ये। तो ठीक है, पहले मास्क बना लो, मास्क हो जाएगा ए XOR बी, ये बन गया जी मास्क। अब एक बना लो काउंट, जिसको हम करेंगे एंड में प्रिंट, तो प्रिंट करना है तो प्रिंट की स्टेटमेंट भी लिख ही देते हैं हाथों हाथ, सॉरी सिस्टम डॉट आउट लिखने चल दिए थे हम, तो आदत है, ठीक है। तो अब चलाते हैं एक वाइल लूप, वाइल मास्क इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब इस वाइल लूप में क्या होगा, अगर मेरा मास्क का जो एंड है वो 1 के साथ मुझे 1 दे रहा है, तो काउंट को कर दो इंक्रीमेंट, वरना हर केस में मास्क को तो हमें ट्रिपल राइट शिफ्ट करना ही है, कितने से, 1 से। चला के देखते हैं लाइन 15 पे क्या कह रहा है। अच्छा जी, ऐसे शायद ना चले, ऐसे ले लो, कोई नहीं, एक बार इसको ब्रैकेट में भी डाल देते हैं, आदत रखनी चाहिए, अच्छी आदत है। अब देखते हैं, क्या कह रहा है ये, एरर एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन,
रिजेक्टेड आ रहा है। ठीक है चल गया, हमारे टेस्ट केसेस में है नहीं। यहाँ पे पता नहीं क्यों ट्रिपल शिफ्ट काम क्यों नहीं कर रहा, दोबारा चलाते हैं। ट्रिपल शिफ्ट काम नहीं कर रहा जी, कोई बात नहीं, हम डबल शिफ्ट से कर लेंगे, वैसे भी कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं, चल जाना तो चाहिए। ठीक है जी चल ही जाएगा, क्योंकि नंबर हमारे सारे पॉजिटिव ही हैं। जावा में ट्रिपल शिफ्ट कर देते हैं हम, चल गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा सवाल, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और फेसबुक लिंक के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर।